बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत था, अपोजिशन में शेख रशीद साहब थे। हुजूर की खत्मे नबूवत की बात आई तो शेख रशीद साहब ने दुखे दिल से असम्बली में कहा, कहाँ है अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, आज हुजूर की इज्जत की बात आ गई है। वक्त बदल गया, शेख रशीद साहब वफाकी वजीर दाखिला बन गए। शेख रशीद साहब, अताउल्लाह शाह बुखारी तो साद हुसैन रिजवी की शक्ल में लाहौर की सड़कों पर है, आप वजीर दाखिला हैं, आप किधर हैं? रियासत मदीना का नारा लगाने वाले हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या रियासत मदीना में ताजदार मदीना का नारा लगाना जुर्म है? इमरान खान साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में आपने जिस नबी की मोहब्बत में तकरीर की थी, साद हुसैन रिजवी उसी नबी की मोहब्बत में ये कह रहा है कि फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है, अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालें तो उस एक सफ़ीर के निकालने से यूरोप के तमाम ममालिक के सफ़ीर निकल जाएंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की, उसका सफ़ीर अगर आप निकालें तो तमाम लोग उस गुस्ताख मुल्क के सफ़ीर के साथ निकलने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारी गैरत ईमानी पे सवाल है कि वो मेरे नबी की गुस्ताखी करके भी इतने मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं, और हम अपने नबी के चाहने वाले इतने मुंतशिर हैं कि कलमा पढ़ने वाली हुकूमत मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों को गिरफ़्तार करने पर लगी हुई है। हम मसालिक की तकसीम में, हम जमातों की तकसीम में, हम अपोजिशन में हो तो हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, हुकूमत में हो तो हमारी ज़बानें कुछ और कहती हैं, इलेक्शन करीब हो तो हुजूर की ख़त्मे नबूवत के नारे लगाए जाते हैं ताकि हल्के के वोटर्स को मुतासिर किया जाए, इलेक्शन दूर हो तो हुजूर की ख़त्मे नबूवत किसी को याद नहीं आती। मैं शदीद मुज़म्मत करता हूँ खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी की, और मेरा पुरजोर मुतालबा है कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। मुल्क के अंदर जो होने वाली गुस्ताखियाँ हैं, क्या उन गुस्ताखों को भी आपने इसी तरह गिरफ़्तार किया है? कराची के गुस्ताख गिरफ़्तार हुए, इस्लामाबाद में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख गिरफ़्तार हुए, लाहौर और मुल्तान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख गिरफ़्तार हुए। हद है, मुल्की सतह पर की जाने वाली गुस्ताखियाँ और वो गुस्ताख आज़ाद हैं, मुल्की और आलमी सतह पर गुस्ताखों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और गुस्ताखों के ख़िलाफ़ मुल्की और आलमी सतह पर आवाज़ उठाने वालों को आप पकड़ना चाहते हैं, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं। अलामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मुतालबा लेकर जो लोग निकले, मैं उनसे भी कहता हूँ हम हुजूर की ख़त्मे नबूवत को मानने वाले हैं, ख़त्मे नबूवत का परवाना तोड़ फोड़ नहीं कर